व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। वेज लॉलीपॉप बना रहा हूँ। एक बहुत ही इजी स्टार्टर रेसिपी है, एक वेजिटेबल्स का मिक्सचर बनेगा, उसके बाद एक लॉलीपॉप शेप देंगे। लेकिन लॉलीपॉप का जो शेप है वो दो तरीकों से कर रहा हूँ। एक तो आइसक्रीम स्टिक वाला मेथड है और दूसरा एक ब्रेड स्टिक वाला मेथड है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोनों ही शेप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट तो सेम ही होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो वेज लॉलीपॉप कैसे बनता है वो देख लेते हैं। एक गर्म पैन के अंदर एक टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए, साथ ही में एक टीस्पून अदरक, एक टेबलस्पून लहसुन और दो चॉप की हुई हरी मिर्च। अब बस एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अदरक और लहसुन को आपको भून लेना है। फिर इसके अंदर 1/3 कप चॉप की हुई गाजर, 1/3 कप चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स, 1/3 कप उबले हुए मटर, 1/3 कप उबली हुई स्वीट कॉर्न और 1/3 कप चॉप की हुई कैप्सिकम। तो हाई फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट के लिए आपको अभी टॉस करना है। इस स्टेज पर आपको नमक भी नहीं डालना है, नहीं तो पानी छोड़ देंगी सब्जियां और सब्जियों का जो क्रंच है वो आपको मेंटेन रखना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भाजियों को पका लिया है। अब इन्हें एक बोल के अंदर ट्रांसफर करके आप अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार आपका मिक्सर ठंडा हो जाए तो अब एक बड़े से बोल के अंदर वेज लॉलीपॉप का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। 4 से 5 उबले और ग्रेट किए हुए आलू, हमने जो भाजियां सौते की थी वो भी ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी भर काला नमक, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून ताज़ा धनिया, 1 टेबलस्पून ताज़ा पुदीना, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से आप स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद आपको अच्छे से इस मिक्सचर को कंबाइन करना है। तो साफ हाथों से मिक्स करते टाइम आप इसको हल्का सा कंबाइन कीजिए। अगर आपको ऐसे लगेगा कि आलू के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप हल्का सा ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। मुझे कंसिस्टेंसी सही लग रही है इसलिए मैं ब्रेड क्रम्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मैंने अच्छे से इस मिक्सचर को कंबाइन कर लिया और हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अभी इसे हमें 2 तरीकों से शेप करना है। अब अपने हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए। पहला मेथड से शेप करने के लिए मैं आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ। मिक्सचर के ऊपर आइसक्रीम स्टिक को इस तरीके से प्रेस कीजिए। अब अपने हाथों को यूज़ करके एक लॉलीपॉप का शेप दे दीजिए। तो अभी लॉलीपॉप का शेप मैंने दे दिया है, इस तरीके की दिखेगी। अभी इसे हमें कोट करना है, उसके पहले दूसरा मेथड से भी शेप कर लेते हैं। दूसरे मेथड में आपको एक मीडियम साइज़ का राउंडल तैयार करना है, एक बॉल तैयार करना है। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेके एक ऐसे बॉल तैयार कर लीजिए। अब इस बॉल को लॉलीपॉप बनाने के लिए बाद में मैं ब्रेड स्टिक्स का यूज़ करने वाला हूँ, उसके पहले इनको कोट करने के लिए स्लरी बना लेते हैं। एक बोल के अंदर 1/4 कप मैदा, 1 चुटकी भर सॉल्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए ताकि आप एक मीडियम थिक स्लरी इसकी बना लें। बहुत ज़्यादा गाढ़ी स्लरी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा पतली स्लरी नहीं बनानी है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक लम्प फ्री स्लरी तैयार कर लीजिए। अब लॉलीपॉप को कोट करने के लिए मैं ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बोल के अंदर ब्रेड क्रम्स डालकर उसको भी नमक के साथ सीजन कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो पहले आइसक्रीम वाले लॉलीपॉप को स्लरी में डिप कीजिए और स्लरी से अच्छे से कोट कर लीजिए। स्लरी से कोट करने के बाद उसको निकाल कर एक्सेस स्लरी को ड्रिप ऑफ होने दीजिए और इमिजिएटली ब्रेड क्रम्स में डालकर ब्रेड क्रम्स से भी कोट कर लीजिए। अभी आप देख सकते हो हमारी आइसक्रीम स्टिक वाली लॉलीपॉप जो है उसको मैंने कोट करके रेडी कर लिया है। अब दूसरे वाले शेप को भी इसी तरीके से कोट कर लीजिए। जो हमारा बॉल हमने तैयार किया था उसको स्लरी में डिप कीजिए, स्लरी से कोट करके एक्सेस स्लरी ड्रिप ऑफ होने दीजिए और इमिजिएटली ब्रेड क्रम्स में डालकर उसको भी अच्छे से कोट कर लीजिए। ये जो बॉल वाला लॉलीपॉप है इसमें हम बाद में ब्रेड स्टिक ऐड करेंगे एज अ स्टिक। आप इसे एज इट इज़ फ्राई करके वेज कटलेट बॉल्स जैसे भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने अभी आइसक्रीम वाली लॉलीपॉप और दूसरे वाले शेप भी दोनों को कोट कर लिया है। अब इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने मॉडरेटली हॉट ऑयल लिया है, 175 डिग्री सेल्सियस पर लगभग होना चाहिए। इसमें अभी आप लॉलीपॉप को ऐड कर दीजिए और मीडियम हीट पे आपको आराम से इसको फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हो लॉलीपॉप एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। इस स्टेज पर निकाल के इन्हें एक छन्नी के अंदर या एक टिश्यू पेपर के ऊपर आप डाल दीजिए और एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रिप ऑफ होने दीजिए। अब इन बॉल्स को लॉलीपॉप शेप देने के लिए मैं यहाँ पर ब्रेड स्टिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। ब्रेड स्टिक को इस तरीके से तोड़कर एक प्रॉपर लेंथ बना लीजिए।
उसके बाद इन बॉल्स के अंदर इस ब्रेड स्टिक को बस आपको पियर्स करके ऐसे डाल देना है और आपकी ब्रेड स्टिक वाली जो लॉलीपॉप है ये भी रेडी हो जाएगी। ये भी दिखने में और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो लॉलीपॉप्स को फ्राई करके शेप करके हमने रेडी कर लिया है। जो दूसरा वाला मेथड बताया मैंने आपको ब्रेड स्टिक वाला, वो भी सर्व करते टाइम बहुत अच्छे लगते हैं और आप पूरा लॉलीपॉप एक साथ खा सकते हो तो बहुत मज़ा आता है वो भी खाने में। तो आप दोनों तरीके से शेप कर सकते हो और आप इसको एज अ कटलेट या एज अ वेज कटलेट बॉल भी बनाकर सर्व कर सकते हो अगर लॉलीपॉप नहीं बनाना है तो। अब दोनों तरीके के लॉलीपॉप्स मैंने तैयार कर लिए हैं, अभी इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। वेज लॉलीपॉप इस तरीके से एकदम क्रिस्पी वाले घर पर बनाइए और केचप और सेजवान चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही डिलिशियस लगते हैं। जब भी ट्राई करोगे मुझे कमेंट्स में बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू वाईएफएल इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल वेज लॉलीपॉप रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।